Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I'm back with another very simple and trending recipe, banoffee pie. So let's get started. तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बनानास. हमने 4 to 6 बनानास ले लेंगे. उसके अलावा वी हैव टेकन 2 tablespoons ऑफ बटर, 300 ml ऑफ विप क्रीम, बिस्किट्स ले लिए हैं जो कि मैंने क्रश कर लिए हैं. आप चाहें तो कैंडी या लोटस बिस्किट भी ले सकते हैं. फिर हमने ले लिया है डुल्से डिलेचे. इट्स बेसिकली कैरमलाइज कंडेंस मिल्क, जिसको बनाना बहुत आसान है. इफ़ यू वांट डिटेल रेसिपी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी. चॉकलेट शेविंग्स ले ली हैं फॉर गार्निशिंग, 1 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सबसे पहले हम बिस्किट क्रम्स में बटर डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैंने ये पाई ट्रे ले ली है जिसका रिमूवेबल बॉटम है. आप चाहें तो इसे किस पैन में भी बना सकते हैं या डिश में भी बना सकते हैं. अब इसके अंदर मैं बिस्किट क्रम्स डाल दूँगी और हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे. ये बेसिकली हमारा बेस है तो इसको हमें अच्छे से स्पून करना है. हमने बटर भी इसीलिए डाला था कि जो कुकी क्रम्स हैं वो सारे बाइंड हो जाएं. अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए. तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. ओके, अब जो हमारा कैरमलाइज्ड कंडेंस मिल्क है हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे. आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं या इसमें ब्लेंडर भी चला सकते हैं. लुक हाउ ब्यूटिफुल इट टर्नड आउट. अब इसमें मैं थोड़ी सी सॉल्ट डाल रही हूँ और अब मैं इसको 1 last whisk दूँगी. नाउ इट्स रेडी टू गो. अब हम पैन ले आते हैं जिसमें हम इसको डालेंगे. अब हम इसको पैन में डाल लेंगे. ओह माय गॉड, बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है ये. इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. ओके, अब हम बनानास कट कर लेंगे. ओके, लेट्स सेट अप द बनानास. This is going to take some time. Okay. Last one. One more step done. Now let's move on to our last step. अब हमने whipped cream ले ली है. इसमें हमने डाल लिया है vanilla essence और अब हम इसको whip कर लेंगे. ओके, अब हम क्रीम को इसके ऊपर डाल देंगे. एंड वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट अ लिटिल. सम चॉकलेट शेविंग्स.
That's it. If you like the recipe, then give me a thumbs up. And don't forget to subscribe my channel. And come back again. Allah Hafiz.